मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बिहार में नई भर्ती की सूचना लेकर आ चुका हूं। जी हां फ्रेंड्स, लेटेस्ट वैकेंसी की सूचना लेकर आ चुका हूं। लेटेस्ट वैकेंसी आपके बिहार में फिर से निकल कर आ चुकी है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी पशुपालन विभाग के तरफ से निकाली जा रही है। वेरियस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ और भी कई पद निकाले गए हैं। यदि सैलरी की बात करते हैं तो 10,000 से स्टार्टिंग है और 40,000 तक सैलरी जाएगी। और ये विभिन्न प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं, जैसे हमें आपको बताया डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ और भी दो तीन पोस्टें निकाली गई हैं। वो पोस्ट कौन सी हैं आपको आगे बताएंगे वीडियो में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक, क्वालिफिकेशन भी 10वीं से स्टार्ट है और ग्रेजुएशन पास और बीटेक तक का मौका यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं, ए टू जेड जानकारी देते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी और बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग पर आ चुका हूँ, जो कि आज के डेट में ये न्यूज़पेपर निकाला गया है। पशुपालन विभाग में होगी बम्पर भर्ती। तो अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें, एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको लाएंगे, इस वैकेंसीज की जुड़ी सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, दिया गया है कि इन पदों पर होगी बहाली। तो पद कौन कौन से हैं, डेयरी फील्ड अफसर की बात करें तो 41 पद हैं, लिपिक लेखापाल की बात करें तो 33 पद हैं, वर्ग 4 के कार्यालय प्रचारी की बात करें तो 43 पद है, यानी ग्रुप डी लेवल की ये वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 25 पद है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर रिलेटेड कैंडिडेट मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटिव हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्या है कि मौका है। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी जी आपके बिहार में आने वाली हैं। ठीक, जिसे LRC के माध्यम से, और ये जो कि अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 25 पद निकाले जा रहे हैं क्या है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से। तो चलिए इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। और अगर बात कर लें वैकेंसी की बहाली कब तक हो सकती है उसकी भी अगर बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, साफ साफ दिया गया कि गव्य विकास निदेशालय में बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ये जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन करने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके बिहार में चुनाव भी है। तो चुनाव के माहौल में वैकेंसी बहुत ही जल्दी निकल जाती हैं, वहाँ पर पेंडिंग केस नहीं होता है। अब बहाली फिलहाल आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी। ठीक, अब चलिए आपको ले चलते हैं, क्वालिफिकेशन बताते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ठीक, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़पेपर के कटिंग को लेकर आ चुका हूं, क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन अच्छे से मेंशन नहीं की गई थी, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। अधिकतम 40,000 वेतन, जैसे हमने आपको बताया 10,000 से स्टार्टिंग है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डेयरी फील्ड अफसरों को, तो 40,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डेयरी फील्ड अफसरों की अप्लाई करेंगे उनको 40,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। ऑनलाइन अप्लाई मोड होगा और उन्हें डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक पास या बीटेक होना चाहिए। तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो स्नातक पास होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। ठीक, मतलब स्नातक और बीटेक में से एक ही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो चलेगा। ये मत समझ लेना कि स्नातक के साथ बीटेक भी चाहिए, नहीं, केवल स्नातक पास हो फिर भी कर सकते हो, बीटेक हो फिर भी कर सकते हो। और लिपिक और लेखापाल की बात करें तो यहाँ पर 20,000 सैलरी रखी गई है और उन्हें कम से कम इंटर पास होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे, इंटर पास मांगा गया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मौका है और सैलरी भी अच्छी खासी है, 20,000 सैलरी कम नहीं होती। और पोस्ट भी यहाँ पर अच्छे रखे गए हैं, ठीक, प्रोफेशनल पोस्ट हैं लिपिक और लेखापाल के। और यहाँ पर बात करते हैं MS एक्सेल का, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक, जो लिपिक और लेखापाल के लिए अप्लाई करेंगे 12th पास के साथ, MS एक्सेल का कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप लोग MS एक्सेल कंप्यूटर नॉलेज को और भी क्या है कि अच्छे कर लें, नॉलेज अच्छा कर लें। और यहाँ पर देख पा रहे हो, दिया गया है कार्यालय प्रचारी के मैट्रिक पास होना होगा। तो जो कार्यालय प्रचारी का ग्रुप डी लेवल के लिए अप्लाई करेंगे उनको 10वीं पास यहाँ पर रखी गई है और उनकी सैलरी 10,000 रुपये बताई जा रही है। ठीक, 10th पास और सैलरी 10,000, ये प्रचारी के लिए। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दिया गया है, जो कि 25 पद के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली निकाली जाएगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और भी वैकेंसीज आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपके बिहार में चल रही है, और कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो मिनिमम 10th और मैक्सिमम अगर मांगी गई तो 12th पास। जी हाँ फ्रेंड्स, 10th और 12th पास के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। और सैलरी की अगर बात कर लें
10 से या 12 हज़ार से स्टार्टिंग होगी और 15 या 16 हज़ार तक इसकी सैलरी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्वालिफिकेशन की बात है। और हाँ, टाइपिंग का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो टाइपिंग मोस्ट है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में वर्क ही डाटा एंट्री का होता है, तो टाइपिंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी टाइपिंग नॉलेज नहीं है, टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो अभी से आप लोग टाइपिंग स्पीड मजबूत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज डाटा एंट्री ऑपरेटर से आने वाली हैं। ठीक, तो ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है और टाइपिंग स्पीड पर सारा खेल होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप इसका चाहते हैं पूरा डिटेल में और भी क्या बातें बताई गई है, तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।